राजीव गांधी ग्रामीण ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन संपन्न। राजीव गांधी ग्रामीण ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन का आज परशुराम खेल मैदान राऊ मावी गोल में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह चौहान की अध्यक्षता, गजेंद्र सिंह खरोड़िया जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नानूराम कलाल, मणिलाल जोशी खेड़ा आसपुर, गौतमलाल पंड्या लिलवासा, वालजी पाटीदार लिलवासा, जिला महामंत्री कांग्रेस रमेश सुथार भोजपुर, प्रवीण जैन प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हेमेंद्र सिंह टोकवासा, तहसीलदार उज्जवल जैन, कमल मेहता गोल, गंगाराम मेहता गोल, रामचंद्र मेहता गोल, नारायणलाल मेहता गोल, चंदूलाल मेहता गोल रहे। अतिथियों ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया। आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरभद्र सिंह सिसोदिया एवं ग्रामीणों द्वारा अतिथियों का तिलक लगाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आयोजक विद्यालय राऊ मावी गोल की बालिकाओं ने स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का मुख्यकरण प्रयाण किया गया। मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह खरोड़िया ने कहा कि राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का अवसर प्राप्त हुआ है। ध्वजारोहण के साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन की घोषणा की गई। खिलाड़ियों के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में करण सिंह चौहान ने आह्वान किया कि सभी खिलाड़ियों को खेलों की भावना से ही खेलें, अधिक से अधिक ग्रामीण लाभ लें। राजीव गांधी ग्रामीण ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में कबड्डी 180 पुरुष, 32 महिलाएं, खो खो में 47 महिलाएं, वॉलीबॉल में 122 पुरुष, टेनिस बॉल क्रिकेट में 379 पुरुष एवं 14 महिलाएं भाग ले रही है। संपूर्ण प्रतियोगिता में कुल 651 पुरुष, 93 महिलाएं सम्मिलित हैं। कार्यक्रम का संचालन रजनीकांत मेहता व्याख्याता राऊ मावी गोल के द्वारा किया गया। अंत में दिनेश डबरावत के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। करता हूँ इस ईश्वर महादेव की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज पूरा प्रदेश, क्या बालक, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी मैदान में हैं, सभी में जोश और उत्साह है, सभी खेल, सभी के अंदर अपना खेल जो एक भावना है वो जागृत हो चुकी है। यह भावना बनी रहनी चाहिए। मैं खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि जीतना, सिर्फ जीतना जिंदगी का उद्देश्य नहीं है, ना ही हारना जिंदगी का उद्देश्य है। जीवन अच्छे तरीके से जिए, बस यही जीवन का उद्देश्य है। हमारा उत्साह और ये जोश बना रहे, खेल भावना बनी रहे, सभी चाहे जीत जाए, प्रयास जीतने का करें, चाहे जीत मिले या हार, जब आपका गेम खत्म हो जाए गले से लगाए, इसका जो उद्देश्य है, ग्रामीण ओलंपिक का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। हम आए दिन अखबारों की जो छुट्टियाँ है उसको देखते हैं। आपकी तमाम खबरें देखने के लिए News24 पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। खबर को शेयर लाइक करना न भूले। धन्यवाद। News24 पब्लिक वॉइस, बने रहिए हमारे साथ।